तो सरकार बनाने और गिराने की जंग शुरू हो चुकी है। नमस्कार आप सभी को, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक। देखिए उद्धव सरकार के इम्तिहान का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज शाम जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के जरिए शिवसेना अपनी बात रखना चाहती है, वहीं बागी गुट कल के फ्लोर टेस्ट की तैयारियों को अमली जामा पहनाने में लगा हुआ है। गुवाहाटी से निकलकर गोवा होते हुए शिंदे गुट कल मुंबई पहुंचेगा और इस बीच आंकड़ों का खेल जारी है, आरोपों का दौर भी जारी है और जारी है अपनों पर भरोसा जताने का और उनको अपने में मिलाने का। तो समर्थन वापसी को लेकर भी किस तरह से देखिए, अभी फिलहाल 4 तस्वीरों पर नजर डालिए। भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है, शिंदे गुट पूरी तरह से सक्रिय है, गुवाहाटी के बाद गोवा में कैंप और उद्धव गुट निश्चित तौर पर परेशान है लेकिन समीकरण साधने में प्रयासरत है। सुप्रीम कोर्ट से मोहलत की कोशिश है, फ्लोर टेस्ट का निर्देश है राज्यपाल की तरफ से, कल क्या होगा सबकी निगाहें इसी पर। लेकिन इसके पहले आज शाम 5 बजे इस पर सुनवाई भी होनी है, ये भी बड़ी खबर क्योंकि इम्तिहान जोरदार है और क्या कर रहे हैं अब किरदार, सब पूरी तस्वीरों के जरिए इसमें सिमटी हुई चीजें हैं। देखिए जरा, आ गया उद्धव का असली इम्तिहान। शुरू हो गया फाइनल काउंटडाउन। गुवाहाटी से गोवा रवानगी से ठीक पहले की ये तस्वीरें कामाख्या मंदिर की हैं, जहां बागी विधायक दर्शनों के लिए गए थे। जाहिर है मन्नत मिशन मुंबई की कामयाबी की ही रही होगी। शिंदे सर, उद्धव ठाकरे यांच्या आवाहनावरती काय बोलाल तुम्ही? सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे। उम्र क्या सर? आपको पता है शिंदे साहब, उद्धव ठाकरे पास 50 लोग है, 40+10 ये 50 लोग और अभी देखिए आप मेजोरिटी। अरे आपका हाथ नीचे कीजिए ना सर, बहुत ज्यादा मेजोरिटी। शिंदे साहब मराठीत बोला ना साहेब, प्लीज सर मराठीत बोलू ना रे, बोलू इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की सूचना नहीं है। दरअसल इन तस्वीरों को उद्धव सरकार के इम्तिहान के फाइनल काउंटडाउन के तौर पर भी देखा जा सकता है। गुरुवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले अब दोनों गुट जोर आजमाइश में लगे हैं। शिंदे के नेतृत्व में बागी गुट फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई पहुंचने का मिशन शुरू कर चुका है, तो शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के जरिए अपना पक्ष मजबूत कर लेना चाहती है। पहले वो सुबह सुबह खुद उन्होंने वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर माँ कामाख्या का दर्शन किया, उसके बाद सारे विधायकों को लेकर वो यहाँ पहुंचे और लगातार कई बार मीडिया से बातचीत की। तो और जो बातचीत का जो लहजा रहा, बातचीत की जो बॉडी लैंग्वेज रही, वो देख के साफ साफ जाहिर हो रहा है कि काफी आश्वस्त है। लेकिन एक संशय अभी भी वही बना हुआ है कि इस संख्या को ले जाकर अंततः असेंबली में फ्लोर टेस्ट में बनाए रखना, बरकरार रखना, और उसी की उधेड़बुन फिलहाल विचार विमर्श चल रहा है कि किस तरह से इस संख्या को बनाए रखकर असेंबली और फ्लोर टेस्ट तक पहुंचा जाए, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है दूसरे पक्ष की ओर से 15 से 20 लोग हमारे संपर्क में हैं। ऐसे में जो रणनीति है उसी हिसाब से तय की जा रही है, एकदम शुरुआत में ही मुंबई नहीं ले जाया जा रहा है, मुंबई के पास रखा जा रहा है और दूसरे उसके बाद वहां से मुंबई ले जाया जाएगा। अब आंकड़ों का असली खेल शुरू हो चुका है और शक्ति प्रदर्शन सड़कों से उठकर अब सदन में साबित करने की चुनौती दोनों पक्षों के सामने है। हालांकि दोनों की गुट अभी रणनीति का खुलासा नहीं कर रहे। हम लोग कल वहां पर हमारे सभी विधायक जो है उनके साथ में मुंबई पहुंचे। सर आप लोग एब्सेंट नहीं करेंगे ना सर? मुंबई कब जाएंगे? मुंबई जा रहे हैं तो कल हम लोग मुंबई पहुंचेंगे। हाँ। और जो भी फ्लोर टेस्ट है, जो भी वहां पर कानूनी प्रक्रिया जो करनी है निश्चित रूप से की जाएगी। अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पर कानून की लड़ाई के साथ हम जाएंगे और कानून का अगर पालन किया जाएगा तो हम जीतेंगे। क्या बात, बागी ग्रुप शिवसेना से रूबरू हो पाएगा? क्या सिनेरियो होगा, क्या लगता है आपको? काफी दुर्भाग्यपूर्ण तो है। नजर से नजर तो मिलाइए, बाद में देखेंगे आप में कितनी हिम्मत है। हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई पाप नहीं किया है, हमने आपको बच्चों की तरह संभाला है, मित्रों की तरह उद्धव जी ने संभाला है, बच्चों की तरह संभाला है बाला साहब ठाकरे जी ने।
और वो भी वो मान्य करें। लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप भी जोरों पर है। राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते, और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलए ये सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। नहीं, हमारे पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब ये है कि आप भी उस एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में, करने दो। राजनीति की जो बिसात करीब 10 दिन पहले सूरत में बिछनी शुरू हुई थी, गुवाहाटी और गोवा होते हुए वो अब लौटकर मुंबई पहुंच रही है। अब शह और मात का खेल दावों में नहीं होगा और ना ही कोई संग्राम अब सड़कों पर होगा। अब दूध का दूध और पानी का पानी सदन में होगा, यानी भरोसा करने और भरोसा उठने के सारे दावों का सच से जल्द ही सामना हो जाएगा। अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। और अब वक्त है जानकारी हासिल करने का, अपडेट हासिल करने का। दो सहयोगी, दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुवाहाटी से अनुपम मिश्रा जुड़े हुए हैं और साथ ही विद्या जुड़ गई है मुंबई से। तो हम पहले रुख करते हैं गुवाहाटी का। अनुपम, अभी क्या स्थिति है? एकनाथ शिंदे खेमे की अगर हम बात कर लें तो क्या वो लोग गोवा के लिए निकल चुके हैं या फिर प्लानिंग क्या है, अभी क्या वहां पर देख पा रहे हैं? जी देखिए, मैं इस वक्त रेडिसन ब्लू होटल के ठीक सामने ही खड़ा हूं और मेरे पीछे जो होटल दिखाई दे रहा है, इस वक्त एकनाथ शिंदे गुट इसी होटल में ठहरा हुआ है। बीच में ये सभी लोग कामाख्या मंदिर गए थे और कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वापस इसी होटल में आ गए हैं। पहले ये खबर आ रही थी कि कामाख्या मंदिर से ये सीधे एयरपोर्ट जाएंगे, जहां चार्टर्ड प्लेन से ये गोवा जाएंगे, लेकिन उसके बाद अब जब ये भीतर घुस गए हैं होटल में, तो जो भीतर सूत्रों से खबर आ रही है कि हो सकता है कि 5 बजे जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होनी है वो सुनकर ये बाहर निकले। हालांकि अपनी रणनीति का खुलासा एकनाथ शिंदे ग्रुप की ओर से किसी भी तरह नहीं किया जा रहा है, फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है और शुरू से ही हमने देखा है कि आगे क्या रणनीति होगी और रणनीति लगातार बदल रही है ये, क्योंकि मामला काफी पेचीदा है, पेचोखम बहुत ज्यादा है। ऐसे में हर पल हर क्षण अपनी रणनीति बदल रहे हैं और इसी वजह से खुलासा नहीं कर रहे हैं। तो ये दो बातें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि 5 बजे जो सुनवाई होनी है उसके लिए ये गुट फिलहाल यहां पर रुका हुआ है। जो प्लेन है वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पर तैयार है और हो सकता है उससे पहले भी निकले, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं है कि ये 5 बजे जो सुनवाई होनी है उसको देख कर की योजना बना रहे हैं या उससे पहले निकलेंगे। बिल्कुल, और उस तरह से प्रतिक्रिया भी आ रही थी। एकनाथ शिंदे उनका आत्मविश्वास बता रहा है, कह रहे हैं कि हमारे पास तो विधायकों की कोई कमी नहीं है बल्कि ज्यादा विधायक है, 50 विधायकों के होने का वो दावा कर रहे हैं। ऐसे में और जो बड़ी बातें उन्होंने थोड़ी देर पहले कही थी, एक बार अपडेट उस पर बता दें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बात की हमसे, उन्होंने दरअसल अगर हम कहें कल से ही जो बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं, जिस तरीके से वो कल पहली बार इतने दिनों में इसी गेट के पास वो आए थे, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए फोन पर बात करते हुए, तो उनका जो अंदाज था वो ये दिखा रहा था कि वो बड़े आराम से हैं, घबराए हुए नहीं है। और आज भी हमने देखा कि सुबह के वक्त पहली बार वो अकेले गए कामाख्या मंदिर, वहां पर भी बड़े आराम से पूजा अर्चना की, वापस लौटे और उसके बाद सारे विधायकों को कर दोपहर में 1 बजे के आसपास वापस कामाख्या मंदिर आए। और वहां पर एक बात जो नोटिस करने लायक है वो ये थी कि जब बस से वो उतरे तो सबसे पहले एकनाथ शिंदे बस से उतरे, उसके बाद उनके पीछे पीछे बाकी के जो विधायक हैं वो कामाख्या मंदिर के भीतर गए, और जब वहां से वो बाहर निकले तो विधायकों को सबसे पहले बस में बिठाया गया और सबसे अंत में, सबसे आखिर में एकनाथ शिंदे बाहर आए। हालांकि वो काफी आश्वस्त दिख रहे थे, लेकिन उनकी ये जो बॉडी लैंग्वेज संकेत काफी मिल रहा है, वो निश्चित तौर पर आत्मविश्वास तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कल देखने वाली बात होगी फ्लोर टेस्ट में और जब वो आज गोवा पहुंचते हैं और कल मुंबई पहुंचते हैं। विद्या हमारी सहयोगी मुंबई से जुड़ चुकी हैं। विद्या, कल फ्लोर टेस्ट है, कल महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, सभी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐसे में आज क्या मुंबई में हलचल आपको देखने को मिल रही है? चाहे हम उद्धव ठाकरे की बात करें, शिवसेना की बात करें, चाहे हम फडणवीस की बात करें या फिर महाविकास आघाड़ी, किसका कहां पर बैठक, क्या चिंतन?
जी देखिए, अभी अभी शिवसेना की एक बैठक खत्म हुई है। यहाँ मातोश्री से कई सारे लोग निकले हैं। अभी विनायक राउत जो एमपी हैं, वो निकलते हुए उन्होंने कहा कि जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश शाम का आएगा उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हालांकि वो अभी भी कह रहे हैं 18, कल तो उन्होंने 16 से 17 कहा था, आज 18 से 20 एमएलए कह रहे हैं कि उनके जो गुवाहाटी में है उनके वो उनके टच में है, ऐसा उनका कहना है। और इस वक्त ज्यादा से ज्यादा वो इंतजार इस बात का है कि कोई तो राहत, मैंने जब उनसे यही पूछा कि किस तरह की राहत का इंतजार कर रहे हैं, क्या मिलेगा आपको सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने यही कहा कि जो भी आदेश होगा उसके बाद शिवसेना अपना रणनीति अगर कुछ बदलना होगा तो बदलेगी, या फिर जो भी आगे निर्णय लेना होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर जरूर डिपेंड करने वाला है। अब विद्या, संजय राउत की बात करें तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने का जो फैसला है वो गैर कानूनी है। ठीक है, हमारे पास जो 16 विधायक थे अयोग्यता को लेकर ये पूरा मामला भी लंबित है, ऐसे में शाम 5 बजे यहां पर सुनवाई होनी है। मान लीजिए कि 16 जो विधायक है अयोग्य घोषित कर दिए गए तो फिर बहुमत का आंकड़ा कैसे होगा, क्या होगा? देखिए, अगर अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो जो टोटल फिगर है वो भी तो कम होगा ना, तो उसके हिसाब से जो जो मैक्सिमम फिगर है जो जिसपे आपको अपना प्रूफ बहुमत प्रूफ करना है वो कम हो जाता है। हालांकि शिवसेना को सफर करना पड़ेगा क्योंकि उनके खुद के आंकड़े कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का जो डर है वो दूसरे जो एमएलए हैं उन पर भारी पड़ेगा, वो इनके पाले में जरूर आएंगे। वैसे ही दावा कर रहे हैं कि 18 से 20 तो उनके पास है ही, ऐसा कह रहे हैं ये बार बार, और उसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन का जो आदेश आता है तो जितने बागी हैं वहां पर वो भी बागी डर के आ जाएंगे यहाँ पर, ऐसा इनका पुख्ता मानना है। और यही वजह है कि वो बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है, और वो जो बागी जब मुंबई आएंगे उस पर सबसे ज्यादा उन्होंने निगाहें टिका रखी हुई। दूसरी तरफ अगर विद्या हम बात कर ले देवेंद्र फडणवीस की या फिर भारतीय जनता पार्टी की, तो उनकी आज किस तरह से सक्रियता देखने को मिल रही, बैठकों का दौर जरूर कहीं ना कहीं चल रहा होगा और मंथन चल रहा है। जी देखिए, अब तो जी बिल्कुल यहाँ अलग कोर मीटिंग की मीटिंग जो बीजेपी की है वो कोर मीटिंग चल रही है, कोर सदस्यों की जो मीटिंग है उसमें कई सारी चीजें इनको सोचनी है, उसमें ये सब सोचना है कि देखिए यहाँ तक कि कितने डिटेल तक काम करती है बीजेपी, उस बात से अंदाजा लगाइए कि कुछ देर पहले उनके जो सदस्य हैं वो जो सेक्रेटरी उनसे मिलने गए थे विधानसभा के और असेंबली के, और उनसे बात की और उनसे ताकि सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बदला जा सके, ताकि शिवसेना के जो लोग हैं जो बागी विधायक हैं जो कल आएंगे वो बाकी विधायकों के संपर्क में आए ही नहीं, उनके सामने बैठे, उनके ऑपोजिट बैठे, उनसे बिल्कुल कतई बगल में न बैठे, इस बात का भी इंतजाम करने के लिए बीजेपी के लोग अभी से ही लगे हुए हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी भी तरह का संपर्क, जो शिवसेना बार बार दावा कर रही कि जब वो आएंगे तब हमारे संपर्क में आ जाएंगे, हमसे हमारे पक्ष में वोट देंगे, ऐसा कतई ना हो। एक और दिलचस्प सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि इसमें तो हम देख रहे हैं कि पोस्टर वॉर की भी एंट्री हो चुकी है, ऐसे में जब ये बागी विधायक कल आ रहे हैं वापसी में, तो क्या अभी पोस्टर वॉर अभी भी कुछ देखने को मिला क्या, कुछ इसमें लेटेस्ट अपडेट? जी देखिए, पोस्टर्स तो अभी कुछ खास लगाए नहीं गए मुंबई में, जैसे कि हमने गुवाहाटी में देखा था कि कई अलग अलग तरीकों से पोस्टर्स लगा के बातें की जा रही थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ दिन पहले जब पूरा आक्रामक रूप जब शिवसेना ने ले लिया था और संजय राउत ने लाशों तक की बात कह दी थी, तब हमने देखा था कि काफी कुछ, जैसे कि शिवसैनिकों ने एकनाथ शिंदे के जो पोस्टर थे उसके ऊपर काली पोती, तो प्रोटेस्ट हुए थे, काफी कुछ हुआ था, लेकिन अब फिलहाल जो अपना संगठन है उसको वापस तेज करने पे लगी है इस वक्त शिवसेना। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी, यहाँ अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मातोश्री के बाहर कुछ और लोग इकट्ठे, समर्थक जो है वो इकट्ठे हो गए हैं, आइए इनकी देखते हैं। इनके हाथ में भी कई सारे पोस्टर्स हैं, इनके पोस्टर्स से काफी कुछ देखने को मिल रहा है, उसमें इन पोस्टर्स में ज्यादातर एकनाथ शिंदे के मुंह पे जो काली पोती गई है, और बाकी जो लोग हैं यहाँ देखिए हाथ में रंग लेंगे। मुर्दाबाद, भगोड़े अंदर, एकनाथ शिंदे। हम साइन कोलीवाड़ा से हैं, मैं महाराष्ट्र का सर चिटनीस हूँ, शिवसेना उधर वास्तविक सेना का, हम इसके लिए आए हैं जो गद्दारी भगोड़े आमदारों ने की है, जिनको जिताने वाली महाराष्ट्र की जनता, जिनको मौका देने वाली शिवसेना, बाला साहब, उद्धव साहब, अतित्य साहब, वो आज जो धोखाधड़ी करे उसके खिलाफ ये निषेध मोर्चा है। तो इतने दिनों से अचानक आज क्या हुआ, आज क्यों इतना ज्यादा प्रोटेस्ट?
इतने दिनों के बाद नहीं मैडम, हम जिस दिन से हुआ तब से हम मैदान में उतरे हैं, हर शिवसैनिक सड़क पे उतरे हैं गद्दारियों के खिलाफ। और ये हमारा मोर्चा शिवसेना भवन में भी हुआ, यहाँ भी हुआ, हम एक ही बात दिखाना चाहते हैं, जो गद्दारी एमएलओ ने की है उनको माफी नहीं मिलेगी। तो ये बताइए कि क्या आप लोगों को ऊपर से भी बताया गया है कि ऐसा क्या करना है? मैडम सड़क से निकल के हल नहीं निकलेगा की जरूरत नहीं है, गोवा जाने से हल निकलेगा। कोई शिवसैनिक, वो अभी शिवसैनिक नहीं है, उनको निकाल दिया गया है, उनमें से एक भी शिक्षक वो सब गद्दार है। आदित्य साहब उद्धव साहब का आदेश आ गया, उनको मंत्री पद से भी हटाया गया है। भारी संख्या में कितनी संख्या उनकी 40 बिल्कुल। तो मुंबई से सीधी तस्वीर देख रहे थे और जिस पोस्टर वॉर की बात कर रहे थे, पोस्टर्स आपने देख लिया किस तरह से, और शिवसैनिक जो है समर्थन कर रहे हैं अपनी पार्टी का, और दूसरी तरफ अनुपम वहां से जानकारी दे रहे थे। आप दोनों का विद्या और अनुपम बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त उफान है क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने आखिरी इम्तिहान की तारीख तय कर दी है। कल 11 बजे से फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट आज ही सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। आज शाम 5 बजे सुनवाई होगी। जब गुवाहाटी से विदा लेने का वक्त आया तो एकनाथ शिंदे आगे की लड़ाई में कामयाबी का आशीर्वाद लेने माँ कामाख्या के दरबार में पहुँचे, पूजा पाठ किया, देवी की आराधना की और फिर अगले मोर्चे पर कूच का ऐलान कर दिया। हम लोग कल वहाँ पर हमारे सभी विधायक जो है उनके साथ में मुंबई पहुँचे। सर आप लोग एब्सेंट नहीं करेंगे ना सर? मुंबई कब जाएंगे? मुंबई जा रहे हैं तो कल हम लोग मुंबई पहुँचेंगे। और जो भी फ्लोर टेस्ट है, जो भी वहाँ पर कानूनी प्रक्रिया जो करनी है निश्चित रूप से की जाएगी। इतना ही मैं सर, फ्लोर टेस्ट में किसको सपोर्ट करेंगे सर, किसका चीफ मिनिस्टर? हम लोग शिवसेना के विधायक हैं और शिवसेना के विधायक मैं वहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे। एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी छोड़ने का प्लान यूं ही नहीं किया, इसकी पूरी तैयारी हो रखी थी। शिंदे के गुवाहाटी से हटने की घोषणा के आसपास ही गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का ये खत सामने आ गया। इस खत की एक एक लाइन उद्धव सरकार की परीक्षा की मुनादी है। वो ये कि गवर्नर ने कल की तारीख तय कर दी है, शाम 5 बजे का वक्त भी तय कर दिया है, ये भी बता दिया कि सदस्यों से हाथ उठाकर राय ली जाएगी। शिवसेना आने वाली चुनौतियों को समझ रही है, इसीलिए उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ऐसे में अगर गवर्नर हाउस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी, तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। शिवसेना एडी चोटी का जोर लगा रही है कि सुप्रीम कोर्ट कल के फ्लोर टेस्ट पर रोक लगा दे, शिवसेना को आखिरी वक्त के लिए कुछ मोहलत मिल जाए। लेकिन इस बार हालात बदले दिख रहे हैं। बागियों ने गोवा में कैंप करने की तैयारी कर ली है। उद्धव ठाकरे के लिए आज का दिन बेहद भारी है। गुवाहाटी से अशोक सिंगल, दिल्ली में संजय शर्मा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। वहीं महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान पर भारतीय जनता पार्टी नेता देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत आमने सामने हैं, आपको सुनवाते हैं। राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते, और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलए ये सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। नहीं, हमारे पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब ये है कि आप भी उस एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है, पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में करने दो। इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और असेंबली में गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ, जनता चुप नहीं बैठेगी।